भारत सरकार द्वारा नए कानून व्यवस्था अनुसार सड़क हादसे को देखते हुए इस विषय पर सभी प्रकार के सारथी ड्राइवर एवं मोटर वाहन मालिक काफी समय से परेशानी का सामना कर रहे थे और सरकार अतिशीघ्र पुनर्विचार और सुझाव पर ध्यान देते हुए नए कानून 106/2 को वापस ले लिया है। इसके लिए सभी का सुझाव की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस संदर्भ में ड्राइवर सारथी और मोटर वाहन मालिक की सभा का आयोजन किया गया। सभी ड्राइवर सारथी के साथ में दिए गए समय पर ड्राइवर मौजूद रहे। रविवार की सुबह 11 बजे इस समीक्षा बैठक का आयोजन गोपाल परिवार फाउंडेशन द्वारा किया गया था। सड़क हादसे, सड़क सुरक्षा जैसे अन्य समस्याओं पर ड्राइवरों ने अपनी बात रखी। मौजूद ट्रांसपोर्ट मालिकों ने ड्राइवर को समस्याओं का समाधान करके सुझाव भी दिया। इस मौके पर गोपाल परिवार साथी परिवार अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल, भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा, शिवाजी वाहन चालक एंड संचालक एसोसिएशन अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल, विक्रम दारुका, राजन अग्रवाल, रजनीश दुबे, चंदन पवार, मोहम्मद अफसर, सचिन पांडे, विशाल मेश्राम, इनायत खान, सगीर खान, सुनील राजमणि, संतराम राम सिंह इत्यादि प्रमुखता से मौजूद थे। ये सोचता है कि मैं अकेला हूँ और मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, तो मेरा जो आज का आपको कहना है कि आप कभी अपने आप को अकेला ना समझें। आप एक हिस्सा, पर वो हर हिस्सा महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो छोटा से छोटा हो चाहे वो बड़े से बड़ा। तो आप जो हो एक ड्राइवर के रूप में अपने आप को कभी ना समझे कि मैं अकेला हूं। आपके साथ आप जैसे कई अनेक ड्राइवर हैं और हमको यहां रहकर अपनी एकता बढ़ानी है, जो एक कहते हैं ड्राइवर एकता या सारथी एकता। हम जब छोटे थे तो एक बहुत छोटे से एक प्रोग्राम आता था कि एक और अनेक में क्या फर्क होता है। तो एक छोटी सी कहानी है कि बहुत सारे चूहे होते हैं और बहुत सारी चिड़िया होती है, तो एक शिकारी होता है जो चिड़ियों पे जाल फेंक देता है, उस चिड़िया तो सारी जाल में फंस जाती है, तो वो सोचते हैं हम अपने आप को कैसे बचाएं। तो एक चिड़िया बोलती है कि हम सब अगर मिल के साथ उड़ेंगे तो हम ये जाल के साथ उड़ सकते हैं, एक दिशा में एक तरह से उड़ेंगे और अपने आप को बचा सकते हैं। और उस तरह से उन्होंने अपने आप को बचाया। इसका सबसे महत्वपूर्ण और सिंपल उदाहरण अगर देखो तो जब ये कानून लगा जिसमें के ड्राइवर भाइयों पे ज्यादती की गई, उनके ऊपर उन गलत तरह से उनको दबाया गया, तो आप लोगों ने अपनी एकता दिखा के उस कानून को रुकवाया। तो हमेशा ये समझिए कि आप कमजोर नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप अगर तो सब कुछ करते हैं, रोड पे चलते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? वो उसको कट मार रहा, वो उसको नीचे उतार रहा, वो आड़ी चला रहा, वो टेढ़ी चला रहा, क्यों भाई ऐसा? वो भी तो आपका भाई है कि नहीं, चलाने वाला वो भी हमारा। अरे मैं सब बोल रहा हूँ, आप देखिए बात, मैं देखता हूँ ना, मैंने दुनिया देखी, आपने क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा होगा। इसके लिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारे अग्रवाल साहब से, अग्रवाल गुरु से, ये गोपाल परिवार से, ये जो हमारे लिए इतना आज बैठा के इतना हमको सम्मान दे रहे हैं, धन्यवाद है इनको और इनकी संस्था को और हमारे सबके लिए। की नजर में एक साथी भाई को कितना पैसा मिले जिससे कि साथी भाई जो इन्होंने बोला है वो कर सकेगा, बताइए सलाह दिया। मैं बताइए ना, आपसे प्रश्न। मैं 25,500 रुपया रोज का खर्चा लेता, मतलब 40,000 रुपए ये हर महीने 40,000 रुपया लेते हैं और उसमें ये सच्चाई से काम, एक पैसे की चोरी नहीं करता हूँ। और अपने मालिक को तो अभी मान लो, मैं जैसे मेरी संस्था अभी 25,000 देने की बात कर रही है, इनकी बात मेरे गले उतरी क्योंकि जो 24 घंटे का नौकर है उसको 40,000 भी कम है, वैसे तो 40,000 भी कम है। और सवाल क्या है कि आज ड्राइवर सारथी भाइयों ने अपना, जब तक वो 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया डेली नहीं बना लेते तब तक उनको खाना नीचे नहीं उतरता, तो वो कब कैसे बंद हो? मैं मानता हूं कि 40,000 रुपया इतने मेहनती आदमी के लिए कम है, ज्यादा नहीं कम है। तो अगर आप अपने तरीके से काम करेंगे, और एक मैं आश्वासन देता हूं कि अप्रैल के बाद जो ये नजदीक के 4 बॉर्डर हैं उस पे कोई भी आपको तकलीफ देगी, हमारी नागपुर की टीम
अब देश नहीं, हमारा पूरी दुनिया जानती है कि ड्राइवर नहीं है कुछ नहीं है, ड्राइवर नहीं है तो कुछ नहीं है। आज सारथी के रूप में भगवान कृष्ण ने महाभारत में दिखाया कि सत्य और असत्य क्या होता है। उन्होंने सत्य के तरफ खड़े थे, असत्य के तरफ में कितने लोग खड़े थे, संसाधन से जो भी उनके पास थे, हथियार थे, सब थे, लेकिन वो साथी का रूप निभाया, दुनिया को दिखा कि साथी है तो दुनिया है। आप लोग अगर गाड़ी छोड़ देंगे तो आगे गाड़ी चलाने वाले आप ही हैं, और जो आप ले जाएंगे तो भी हम हैं। हम चाहे ब्रोकरी कर रहे हैं तो आप जैसे भाई आ रहे हैं, गाड़ी लेकर आ रहे हैं, हमें 2 पैसा कमीशन दे के जा रहे हैं। और ड्राइवर को एक ताकत ऐसी बननी चाहिए जहां पे आपका सबसे बड़ा नाम मिसाल आप आगे रहे, आप आगे की पंक्ति में बैठे और लोग बोले तुम्हारा साथी है। हर चीज सुई से लेकर धागे तक, जितने जीव जंतु प्राणी है, मानव की बात नहीं, जीव जंतु प्राणी भी जो भी धरती में है उनका सबका भोजन पानी की व्यवस्था आप जैसे भाई करते हैं, हर चीज आप एक दूसरे से पहुंचाते हैं। तो आपके मान सम्मान को बचाने के लिए हमारी संस्था खड़ी है और आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपको परिवर्तन खुद को। NBCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।